आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग BA तृतीय वर्ष भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। हम लोग आज भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्यतः मनुष्य का प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप मृदा से ही होता है, चाहे कृषि हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो या अन्य जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो भी है, वो मृदा से ही प्रारंभ होता है और मृदा से ही होता है। मनुष्यों का सामान्यतः आवास भी कहीं ना कहीं मृदा से ही संबंधित होती है। तो मृदा या मिट्टी या भूमि मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और हम लोग देख रहे हैं आजकल इन दिनों जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप मृदा या मिट्टी अपनी गुणवत्ता भी खोती जा रही है। मृदा प्रदूषण आप लोग अक्सर सुनने को आता है कि मिट्टी की गुण, रूप, स्वरूप, संरचना लगातार परिवर्तित होती जा रही है। इसे हम लोग भली भांति जानते हैं और इस विषय पर आगे के कालांश में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग मिट्टियों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, प्रसिद्ध अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक पेडोलॉजिस्ट, मृदा वैज्ञानिक को पेडोलॉजिस्ट कहते हैं, वेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, तात्पर्य यह है कि भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित जो पदार्थ हैं, जो कि सामान्यतः ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, जो ध्यान देने की बात है, मूल शैलों, तात्पर्य यह पेरेंटल रॉक्स तथा वनस्पतियों के योग से बनते हैं, मिट्टी कहलाती है। तात्पर्य यह हो गया कि भूपृष्ठ पर या भू आवरण पर असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो शैलों से तथा वनस्पतियों के योग से बनते हैं, उसे हम लोग मिट्टी के रूप में कहते हैं, जानते हैं। तो मिट्टी क्या हो गया? भूपृष्ठ का ऊपरी आवरण जो असंगठित है। अगर संगठित हो जाएगी तो कड़ा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो चट्टान का रूप ले लेगी, वो मृदा नहीं कहलाएगी। तो पहली स्थिति क्या है मृदा मिट्टी मिट्टी बनने के लिए, मृदा बनने के लिए, कि ये कण असंगठित हूं, संगठित नहीं हूं। और दूसरा, ये अपने पैतृक चट्टानों की प्रतिकृति होते हैं। जिन पैतृक चट्टानों के टूट फूट, विखंडन या एकत्रीकरण से इन मृदा का निर्माण होता है, उन्हीं मूलभूत शैलों की विशेषताएं इन मिट्टियों में पाई जाती हैं और वनस्पतियों के योग से यह मिट्टी बनती है। ऐसे ही एक मत है, कोल, मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। इसमें भी मिट्टी की महत्ता को ही बताया गया है। कृषि, पशुपालन या जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब मृदा पर ही निर्भर रहते हैं, जैसा बताया गया। चाहे आवास हो, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, वो सब मृदा से ही प्राप्त होता है। और जितने भी विकासशील देश हैं, भारत सहित, उन देश के निवासियों की मुख्य व्यवसाय कृषि या संबंधित कार्य ही है। भारत की भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हम लोग अब अगले चरण पे आते हैं।
मिट्टियों का वर्गीकरण। कई वैज्ञानिकों ने, मृदा वैज्ञानिकों ने, भूगोलविद्ताओं ने, कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, जिनमें चटर्जी, वाडिया, कृष्णन, राय चौधरी, मुखर्जी, अब कुछ विदेशी वैज्ञानिक भी हैं, शोकालस्किया इत्यादि ने वर्गीकरण किया है। तो सब पहले हम लोग जो वर्गीकरण है वो है शैलों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण, जैसा कि बेनेट महोदय की जो परिभाषा थी मिट्टी में कि पैतृक शैल, तो शैल के आधार पर ही विशेषकर मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। अन्य कारक भी हैं, उन कारकों के आधार पर भी मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन सर्वप्रथम जैसा बताया गया कि जैसी उस क्षेत्र की शैल होगी वैसे ही मिट्टी का निर्माण होगा, वैसे ही मिट्टियों की विशेषताएं पाई जाएंगी। तो जैसा हम जानते हैं मिट्टियों के निर्माण में पैतृक शैलों के गुणों का विशेष योगदान होता है, बताया गया आपको, इसलिए भारतीय भूवैज्ञानिकों ने शैलों के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। इनमें पहला है अति प्राचीन रवेदार एवं कायांतरित शैलों से निर्मित मिट्टियां। इस प्रकार की मिट्टियां विशेषकर प्रायद्वीपी पठार पर प्राचीन ग्रेनाइट, नी, सिस्ट आदि रवेदार तथा कायांतरित शैलों से बनती हैं, जिनमें लोहा तथा मैंगनीज अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इन शैलों के विघटन से उत्पन्न मिट्टियों का रंग लाल होता है। वर्षा काल में इनका ह्यूमस नष्ट हो जाता है और ऐसी मिट्टियां प्रायः अनुपजाऊ होती हैं। दूसरा जो प्रकार है मिट्टियों का, कुडुप्पा एवं विंध्यन शैलों से उत्पन्न मिट्टियां। ये मिट्टी भी अति प्राचीन शैलों से निर्मित होती हैं, पूर्णतः परिपक्व होती हैं, इनमें सूक्ष्म बलुई तथा क्षारीय मिट्टियां शामिल हैं। फिर आता है गोंडवाना शैलों से निर्मित मिट्टियां। प्रायद्वीपी पठार पर नदी घाटियों में बालू, कंकड़, बजरी, पत्थर इत्यादि औषादी के जमने से गोंडवाना शैलें उत्पन्न हुई हैं। गोंडवाना शैलों से उत्पन्न मिट्टियां अभी पूर्णतः परिपक्व नहीं हुई हैं, या ये कहें अभी ये मैच्योर नहीं हुई हैं, अभी निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इनमें भी ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इनकी परतें पतली तथा बलुई व क्षारी होती हैं। दक्कन ट्राइब से निर्मित मिट्टियां, आगे का तीसरा वर्गीकरण है वह है दक्कन ट्राइब से निर्मित मिट्टियां। जैसा हम जानते हैं क्रिटेशियस युग में व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं प्रायद्वीपी पठार के पश्चिमी भाग पर हुई थी, और इस पश्चिमी भाग पर ज्वालामुखी से निश्रित लावा के जमने से दक्कन ट्राइब शैलों का निर्माण हुआ। इनमें लोहा व मैंगनीज अधिक मात्रा में पाया जाता है। लावा की मिट्टी काली तथा उपजाऊ होती है। हम लोग जिस बेल्ट में या जिस भूभाग में अभी रह रहे हैं वहां की मिट्टी सामान्यतः काली ही है। तात्पर्य है कि इस प्रकार की मिट्टियां जो हमारे भूभाग कुशलगढ़ बांसवाड़ा के क्षेत्र में हैं, वो दक्कन ट्राइब से निर्मित मिट्टियां ही हैं। ये काफी उपजाऊ, कृषि कार्य के लिए अच्छा माना जाता है। और टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियां, टर्शियरी शैल मतलब ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में माना जाता है, तृतीयक युग में माना जाता है। तो वहां की जो मिट्टियां होती हैं उसे हम लोग टर्शियरी शैलों से निर्मित मिट्टियां कहते हैं। विशेषकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ियों व घाटियों में टर्शियरी युगीन शैलों के विघटन से चूना व
बालू मिश्रित मिट्टियां उत्पन्न हुई हैं। और छठा है नवीन शैलों से निर्मित मिट्टियां। नवीन शैलों से उत्पन्न मिट्टियां मुख्यतः गंगा, सतलज व ब्रह्मपुत्र के मैदानों में विस्तृत हैं। कांप, लेटराइट तथा मरुस्थली मिट्टियां इसी प्रकार की हैं और ये मिट्टियां उर्वर होती हैं। इनमें कृषि कार्य बहुत अच्छे से होता है। विश्व के सर्वाधिक कृषि उत्पादन वाले क्षेत्र इन्हीं सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी या कृषि भूभाग में पाए जाते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान इसी प्रकार के नवीन या नूतन शैलों से निर्मित मृदा है। कृषि कार्य के लिए समस्त प्रकार के कृषि उत्पादन इस भूभाग पर होते हैं। इस अध्ययन के बाद अगला अध्ययन अगले कालांश में होगा। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से हमारे इस ई लेक्चर को सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेष या आगे का अध्ययन अगले भाग में होगा। धन्यवाद।